हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति यानी इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है। इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा 5 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज रखा गया है जो इन्हीं क्वेश्चनों में से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति यानी इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी सन 1953 में यानी 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी सन 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलाप। शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग को कहा जाता है आलाप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है? तो साथियों, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई थी सन 1980 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संगीत किन पर आधारित होता है? तो साथियों, भारतीय संगीत यानी इंडियन म्यूजिक आधारित होता है राग और ताल पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो साथियों, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है नई दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय क्रमशः कहाँ स्थित हैं? तो साथियों, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय स्थित हैं क्रमशः नई दिल्ली तथा कोलकाता में, यानी नेशनल म्यूजियम स्थित है नई दिल्ली में और इंडियन म्यूजियम स्थित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10, कथकली तथा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली तथा मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य है? तो साथियों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है अमरावती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, यक्षगान करगा पुनीता प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो साथियों, ये सभी नृत्य यक्षगान करगा पुनीता प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्नाटक राज्य के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राग यमन राग भोपाली तथा राग विहाग का संबंध है? तो साथियों, राग यमन राग भोपाली तथा राग विहाग का संबंध है रात्रि के प्रथम पहर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15, ओडिसी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा राज्य का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रातः काल की ताजगी का राग कहा जाता है? तो साथियों, प्रातः काल की ताजगी के राग को कहा जाता है राग भैरवी। राग भैरवी को प्रातः काल की ताजगी का राग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रात्रि के द्वितीय पहर में गाए जाने वाले राग को कहा जाता है? तो साथियों, रात्रि के द्वितीय पहर में गाए जाने वाले राग को कहा जाता है राग द्वेष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसे ध्यान में रखना होगा। तो हरिप्रसाद चौरसिया वादक हैं बांसुरी के, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिस्मिल्ला खां तथा अल्लार खां का संबंध है? तो साथियों, बिस्मिल्ला खां तथा अल्लार खां का संबंध है क्रमशः सहनाई तथा तबला से, यानी बिस्मिल्ला खां का संबंध है सहनाई से जबकि अल्लार खां का संबंध है तबला से। इन दोनों को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है? तो दोस्तों, उस वाद्य यंत्र का नाम है बांसुरी, जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला है? तो साथियों, भारत का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला है अजंता एलोरा की चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, इस वीडियो सीरीज का बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? साथियों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। तो बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है असम राज्य का।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है, तो साथियों बिहार तथा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है क्रमशः छठ पूजा तथा दुर्गा पूजा। यानी बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा, जबकि पश्चिम बंगाल का प्रमुख व प्रसिद्ध त्यौहार है दुर्गा पूजा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो साथियों झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है सरहुल झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाबड़ी तमाशा तथा कोली प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। यानी लाबड़ी तमाशा कोली प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र राज्य के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओणम किस राज्य का प्रमुख व प्रसिद्ध त्यौहार है, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसे ध्यान में रखना होगा, तो ओणम केरल राज्य का प्रमुख व प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जात्रा बाउल काठी कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य के हैं, तो ये सभी लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। जात्रा बाउल काठी कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पोंगल किस राज्य की प्रमुख व प्रसिद्ध त्यौहार है, तो साथियों पोंगल तमिलनाडु राज्य की प्रमुख व प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 29, गरबा डांडिया रासलीला प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य के हैं, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात राज्य के। गरबा डांडिया रासलीला प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, यह 5 मंजिला इमारत है और सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भांगड़ा गिद्धा धामन सांग प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य के हैं, तो ये प्रमुख लोक नृत्य हैं पंजाब तथा हरियाणा के। भांगड़ा गिद्धा धामन सांग प्रमुख लोक नृत्य हैं पंजाब व हरियाणा के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्राविड़ शैली के। एलोरा का कैलाश मंदिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है द्राविड़ शैली के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर तथा खजुराहो का मंदिर किस शैली के उदाहरण है, तो साथियों भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर तथा खजुराहो का मंदिर नागर शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नई दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो साथियों नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो साथियों चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि इस वीडियो के एंड में 5 क्वेश्चनों का एक छोटा सा टेस्ट सीरीज रखा गया है, जो उन्हीं में से 5 क्वेश्चन होंगे जो आपने अभी पढ़ा है। तो चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख व प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस राज्य का रासलीला प्रमुख लोक नृत्य है, दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सन 1954 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 1953 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सन 1980 में और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1953 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम स्थित है, तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। चलिए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, भारत भवन कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल और ऑप्शन नंबर डी है बंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है,
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।